हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपके लिए गोभी से बनने वाला बहुत ही इंटरेस्टिंग नाश्ता लेके आई हूँ। ये जो खाना नहीं पसंद करता वो भी बड़े चाव से खाता है, इतना अच्छा बनता है कि आप यकीन मानिए, बच्चे हों या बड़े हों, सबको ये नाश्ता बहुत ही पसंद आता है। गोभी के सीजन में ये नहीं खाया तो क्या खाया, फुल वीडियो देखेंगे तभी समझ में आएगा। आइए शुरू करते हैं बनाना। गोभी का नाश्ता बनाने के लिए गोभी चाहिए, आलू, इसको जो है अच्छे से साफ करके बारीक बारीक काट लेने हैं। गोभी आलू को अच्छे से साफ करके बारीक बारीक काटना है। ये देखिए मैंने बारीक बारीक काट लिया है। 2 मीडियम आलू लिए थे, 1 बड़ा प्याज था उसको बारीक काट लिया है, टमाटर 2 थे उसको बारीक काट लिया है, 8 से 10 लहसुन की कलियां थी उसको बारीक काटा है। कुछ मसाले चाहिए, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार, गरम मसाला, हरी मिर्च, थोड़ी सी धनिया है। कढ़ाई में मैंने तेल रख दिया गरम होने के लिए। 2 चुटकी मैंने हींग डाल दिया इसमें, हींग थोड़ा सा पक जाता है तब इसमें जो है प्याज को डाल देंगे, लहसुन की कलियां डाल देंगे सबसे पहले। इसके बाद जो है थोड़ा सा ये हल्का सा लाल होना चाहिए, ज़्यादा लाल नहीं होना चाहिए। इसी के साथ में हम प्याज को डाल देंगे। दोस्तों सारी सब्जियां वगैरह जो है सब बारीक ही काटिएगा, क्योंकि हमें नाश्ता बनाना है, बनाते समय वो फटे ना, इस वजह से सारी सब्जियों प्याज को सबको बारीक काटें। टमाटर जो है पेस्ट नहीं बनाना है, इसी प्रकार से बारीक काट के जो है काट लेना है। अब इसी में मैंने लहसुन, प्याज, टमाटर, मिर्चा बारीक कटा हुआ, 2 मिर्च हरी ली थी उसको डाल दिया था बारीक काट के, हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर जितना आपको कड़ू खाना पसंद हो, 1/2 चम्मच गरम मसाला, स्वाद के अनुसार नमक। सारी चीज़ों को अच्छे से भून लेते हैं, थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं ताकि मसाला हमारा जले नहीं। मसाला हमारा भून चुका है, अब इसी में जो बारीक कटी हुई सब्जियां मैंने डाल दी। आप इसमें जो अपने हिसाब से गाजर बीन्स वगैरह डाल सकते हैं, लेकिन जो है गोभी आलू का नाश्ता है तो इस वजह से मैंने गोभी आलू डाला है। ये बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आप इसको बनाते बनाते जो है सब्जी इसकी इतनी अच्छी होती है कि क्या बताएं। इसमें हमको पानी नहीं डालना है, धीमे आंच में ही पकाना है। इसी प्रकार से जो है बना लेते हैं। देखिए बिल्कुल भी पानी नहीं इसमें रहना चाहिए, सूख जाना चाहिए। सब्जी हमारी पक चुकी है, अब इसको थोड़ा सा फैला लिया है। इसी में जो है बारीक कटी हुई धनिया को मैंने डाल दिया है। धनिया का फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है सब्जी वगैरह में, इसलिए धनिया ज़रूर डालना चाहिए, सेहत के लिए भी अच्छा होता है। आटा को मैंने पहले से सान के रखा है, हमने अपने हिसाब से आटा साना है, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो आटे को सानते समय थोड़ा नमक डाल लीजिएगा। कढ़ाई को मैंने चढ़ा दिया है, इसमें जो है पानी डाल दिया है 2 गिलास के लमसम। इसके ऊपर जो है स्टीम करना है तो मैंने जाली वाला जो है झन्ना रख दिया है, प्लेट लगा दिया है ताकि भाप बन सके। अब जितनी बड़ी हमें लोई तैयार करनी है उस हिसाब से जो है लोई बेल लेते हैं, छोटी छोटी सी। आप अपने हिसाब से बड़ा छोटा जैसे बनाना चाहे बना सकते हैं। हम एक टिप्स बता रहे हैं कि इस तरह से बनता है, इस तरह से आप बनाइए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। दोस्तों इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, जैसे हम बता रहे हैं बिल्कुल सेम ऐसे ही कीजिएगा। ज़्यादा मोटा और ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, ये ज़्यादा पतला मत रखिएगा नहीं तो ये फटने लगता है, थोड़ा मोटा ही रखिएगा। अब जो सब्जी मैंने तैयार की थी इसमें डाल के जो है इसका जो है गुजिया का आकार दिया है, आप कोई सा भी आकार दे सकते हैं। इसको जो है एक साइड से पकड़ के एक साइड को चिपका देंगे, आप इसमें डिजाइन वगैरह भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट ऐसे ही बना रही हूँ। हम ऐसे ही खाना पसंद करते हैं जैसे हमारे घर में खाते हैं, इसी प्रकार से और बना लेते हैं। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा लगता है, एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए। जैसे हम बता रहे हैं गोभी के सीजन में आपने ये नहीं खाया तो क्या खाया, पराठे वगैरह तो सब खाते हैं, एक बार ये वाला नाश्ता बना के देखिए, बहुत ही हेल्दी होता है। आप इसको मैदे से भी बना सकते हैं, लेकिन गेहूं के आटे में पोषण तत्व तो ज़्यादा पाए जाते हैं, इस वजह से गेहूं के आटे का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए।
इसी प्रकार से मैंने बेल लिया है। देखिए दोस्तों, इसी प्रकार से बेल के जो है तैयार कर लेते हैं। बाकी बचे हुए गुजिया को इसी प्रकार से तैयार कर लेते हैं। आप कोई सा भी आकार दे सकते हैं, लेकिन हमको ये आकार ज़्यादा पसंद है तो मैं यही आकार देती हूँ। जब भी बनाती हूँ इसी प्रकार से मैं बना लेती हूँ। प्लेट में थोड़ा आटा लगा दिया ताकि ये चिपके नहीं। इसी प्रकार से तैयार हो गया है। ये देखिए स्टीम भी मेरा तैयार हो चुका है। अब मैं थोड़ा इसमें से तेल लगा लेती हूँ ताकि ये चिपके ना। अच्छे से तेल को मैंने फैला लिया है। अब इसी में जो है रख देते हैं जितना इसमें आ सके। मैंने थोड़े बड़े बनाए हैं, आप छोटे बना सकते हैं। छोटे बनाने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, इस वजह से मैंने बड़ा बड़ा बनाया है। इसी प्रकार से जो है भाप लगा लेते हैं। आटा ज़रूर लगा लीजिएगा ताकि चिपके नहीं, और तेल ज़रूर लगाइएगा। और थोड़ा इसको 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देते हैं। धीमे धीमे आंच में पकाइएगा ताकि जो ये है अच्छे से पक सके अंदर तक का। सब्जी वैसे पकी है, आटा ही पकना है। इसी प्रकार से हम तैयार कर लेते हैं। देखिए हमारा जो है गोभी का गुजिया नाश्ता रेडी हो चुका है। अब इसी प्रकार से भाप से पका लेते हैं। अब इसको निकाल लेते हैं। बाकी बचे हुए गुजिया को भी इसी प्रकार से बना लेते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों, एक बार ट्राई। आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं, इसको फ्राई भी कर सकते हैं। हम इसको दोनों प्रकार से आपको दिखाएंगे। आप इसको इसी तरह से ट्राई कर सकते हैं या इसको फ्राई भी कर सकते हैं। हम आपको फ्राई करके भी दिखाते हैं। ये देखिए मैंने तेल धर दिया था पैन में गर्म होने के लिए। अब इसमें मैं इसको फ्राई करके दिखाती हूँ। दोनों तरह से आप खाएंगे, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। ज़्यादातर यूपी बिहार की फेमस डिश है ये। इसको सभी लोग खाते हैं, पसंद करते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों। अलट पलट के इसको अच्छे से पका लेते हैं गोल्डन ब्राउन होने तक का। जितना आपको रेड खाना पसंद हो वो आपके ऊपर है। आराम से इसको चिमटे से मैंने पलट लिया है। खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, सभी को बहुत पसंद आता है। आप बच्चों को टिफ़िन में दे सकते हैं। जब भी आपको छोटी मोटी भूख लगी हो इस तरह से बनाइए, खाइए। गोभी वगैरह के पराठे आपने बहुत खाए होंगे, इस तरह से जो है गोभी का नाश्ता बना के खाइए, आपको बहुत ही पसंद आएगा। सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला जो है ये नाश्ता है। ये देखिए मैं इतना मैंने लाल कर लिया है, बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों। ये इसी प्रकार से मैंने सारे तैयार कर लिए हैं, आपको जो है सर्व करके दिखाते हैं। वीडियो हमारी अच्छी लगती है तो फुल वॉच के साथ देखा करिए, बीच में छोड़ के मत जाया करिए। इसी में मैंने जो है अमचूर पाउडर या आप चाट मसाला कुछ भी डाल सकते हैं जो आपको अच्छा लगता हो। आप इसको सॉस चटनी रायता के साथ जैसे खाना पसंद करें आप खाइए, बहुत ही अच्छा लगेगा। यकीन मानिए उंगलियां चाटते ही रह जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें ताकि नए दोस्त हमारे साथ जुड़ सकें। और भी अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियो हम डालते रहते हैं इंजॉय के लिए, आपके बीच जुड़ने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर किया करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।